सीने में मुसलमान के सीने में मुसलमान के है कुरान सलाम सीने में मुसलमान के बरकत से है ईमान सलाम। चाहता हूँ कि जनाबे दिल खैराबादी को आपके हवाले करूं। ख्याल कैसा है मेरा, आप लोग बताएं हाथ उठा के, बुला दूं कि नहीं? तैयार हैं? अगर आप इजाजत दें तो चंद शेर दाग दूं। तैयार हैं आप? देखें मेरे दोस्तों के धुएं को अब्र, गम को मसर्रत करते रहते हैं। शेर देखिएगा हजरात, धुएं को अब्र, गम को मसर्रत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहे। थोड़ा बोले बोले बोले, सुभान अल्लाह बोले। ये जितने असातिज़ा स्टेज पे बैठे हैं, कसम खुदा की बिलखुसूस हमारे दरमियान फिक्ह की दुनिया का एक बेताज बादशाह, इल्मी शख्सियत, इल्म के हिमालय पहाड़ जिसे कहिए, जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी, इनके यहाँ भी जाके आप कहिएगा तो खुदा की कसम कह रहा हूँ, दुनिया के किसी दारुल इफ्ता ने आज तक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पे पाबंदी नहीं लगाई। आप बोल सकते हैं अदब के दायरे में, थोड़ा बोले। अब देखे मेरे दोस्तों, धुएं को अब्र, गम को मसर्रत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं, हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। हमें इन झुर्रियों की, माशाल्लाह, हम अपनी माँ के चेहरों की, हम अपने माँ के चेहरों की तिलावत करते रहते हैं, कभी तो मकड़ियों की जालों में हिफाजत करते रहते हैं, हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। मैं बड़े अच्छे अंदाज में आप तक पहुंच रहा हूं, और बड़े मशहूर जमाना शेर जनाबे दिल खैराबादी के चार मिसरे के साथ जनाबे दिल खैराबादी को आपके हवाले करना चाहता हूं कि सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है, सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल है, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। माइक पर जनाबे दिल खैराबादी का। अभी आपके सामने एक बहुत ही बावकार आलिम दीन, एक जिम्मेदार आलिम दीन, हम सबके रहनुमा कायदे मिल्लत हजरत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब अल कासमी दामत बरकातहुम ने कुरान करीम के हवाले से बड़ी कीमती गुफ्तगू की, और मैंने कलम उठाया। कलम उठाने के बाद चार मिसरे तुकबंदी फौरन करने की कोशिश की है बतौर खास समाज फरमान। जी इनायत हजरत, ये चार मिसरा आपकी तकरीर का खुलासा करेगा इंशाअल्लाह। आपकी सुभान अल्लाह की सदा थोड़ी सी बुलंद हो जाए तो एक कलाम यहाँ से मैं पढ़ना चाहूंगा बतौर खास समाज फरमान। ये धनवार की धनवाद की ये अदबी सरजमीन और ये मिसरा मुजाहिद साहब इनायत इनायत के अपने दिल को आईना वो बनाते हैं, आए हाय अपने दिल को आईना वो बनाते हैं, अपने दिल को आईना वो बनाते हैं, बनाते हैं
अपने दिल को आईना वो बनाते हैं, अपने दिल को आईना वो बनाते हैं। महबूबे रब उम्मत से फरमाते हैं, महबूबे रब उम्मत से फरमाते हैं, अपने दिल को आईना जो बनाते हैं। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, उस घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं। भाई दिल जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक हक है सुभान अल्लाह, आते हैं आते हैं। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, उस घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं, उस घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं आते हैं। और चार मिसरे पुराने करीम के हवाले से हाजिर करता हूँ। ये भी हजरत मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब की तकरीर के हवाले से पेश करता हूँ बतौर खास जी नवादी। मुजाहिद भाई, ये घड़ी मुझे जब आपने इनाम दी है, आज इस घड़ी के हवाले से वो मिसरा मैं पढ़ूंगा। जी जी माशाल्लाह। पहले चार मिसरे समाप्त फरमा ले। किसी ने मुसलमान के सीने में मुसलमान के है कुरान सलाम, सीने में मुसलमान के से है ईमान सलाम। क्या भाई कुरान बयान कर रहे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद सलाम। कुरान की बरकत से क्या मौजूद है भाई। एक इल्मी शेर कम इल्म शायर आपके हवाले करता है ये शेर बतौर खास मुलाहिज़ा फरमा लें। होंगे न मुसलमान तो दुनिया भी न होगी, तक है दुनिया भी है जब तक है। मुसलमान सलाम, क्या खुलासा है जब तक है खत्ते मबनी शेर। मुसलमान सलाम, दुनिया भी है जब तक है मुसलमान सलाम, दुनिया भी है जब तक है। अब आइए
एक कलाम को लेके चलता हूँ। सरजमीन मधुबनी पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में एक मतला और चंद मिश्री जब मैंने हाजिर किए तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का वो नाज़िम जिसकी सिर्फ सुभान अल्लाह की सदा में दाद देना शायर की कामयाबी की जमानत बन जाता है, उन्होंने खड़े होकर के एक शेर पे इस्तकबाल किया। आइए आपके हुजूर वो नाते पाक का मतला हाजिर किया अता करे नवादिश जी। ये नाते पाक बड़ी अजीब किस्म की है, सुनिए।